नमस्कार दोस्तों, देश नीति में आपका स्वागत है। दिल्ली का ये इलाका है, साउथ दिल्ली का सीट है। यहाँ एक पार्क था, जा रहे थे, गुजर रहे थे यहीं से, तो यहाँ पर लोग थे, सोचा बात कर लेते हैं। तो बात करने गए तो एक वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ है उसमें ज़्यादातर लोग जो है बिहार से, पूछने में पता चला ज़्यादा बिहारी मजदूर वर्ग के लोग हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आया वो ये आया कि मोदी जी जो दावा कर रहे हैं कि सबको पक्का मकान और शौचालय दिया गया, वो कितना धरातल पे सच है या सही है, वो जानने की कोशिश करें। तो उसमें जो है एक ज़बरदस्त खुलासा हुआ है कि जो पक्का मकान के लिए पैसा आता है, मोदी जी जो एक दावा और करते हैं कि एक रुपये भेजो तो नीचे तक जो है वही एक रुपये पहुँचता है, उसमें भी घपलेबाजी है, बहुत बड़ा घपलेबाजी है। इसका बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इसमें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लोग अपनी आपबीती, जिसे मिला है वो भी अपनी आपबीती बताएंगे, जिसे नहीं मिला है वो भी बताएंगे कि क्यों नहीं मिल रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो कैसा लगता है आपको वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। क्या नाम क्या हुआ आपका? विभा देवी। आप? सुदामा देवी। आप? बबीता देवी। बबीता जी आप? गीता देवी। गीता देवी। क्या चल रहा है वहाँ? आप लोग बिहार से हैं? वोटिंग बिहार में है? यहाँ पे बिहार में देखे बिहार का ही है। आप लोग का भी बिहार का है तो वोट दिए? बिहार में तो पहले वोट देती, जब दिल्ली में वोट नहीं देती। मेरा हस्बैंड बिहार में वोट दिए। आप भी आ जाइए ना, इधर इधर बैठिए। वोट दे दिए? हाँ जी। तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहा आप लोग के लिए वोट करते समय? मोदी जी के लाने के लिए सोच रहे हैं। मोदी जी को लाने का सोच? और क्या, काहे? मोदी बहुत कुछ करते हैं, जिसको कर रहे हैं, गरीब को तो देखभाल ही कर रहे हैं ना मोदी जी। हम तो इतना जो घूम रहे हैं तो गरीब बोल रहा है कि अमीर तो बोल रहा है क्या कि बढ़िया है, गरीब बोल रहा है मेरा जिंदगी एकदम बर्बाद हो गया है, महंगाई इतना बढ़ गया है, सब चीज का दाम इतना बढ़ गया है। नहीं है सर, 5 किलो राशन की बात नहीं है। हाँ। गरीब को बिहार में बहुत तरक्की, मोदी जी जब से आए हैं, जब से बिहार में गरीब को बहुत जान बचाए हैं। इतना महामारी लॉकडाउन हुआ है, गरीब को खाने के रोटी नहीं थे, अमीर को तो चलो घर में पैसा है अपना गुजारा करा लिया, गरीब कितना मरे पैसे के चक्कर में। लोग सबको कोविड में तो बोला, कोरोना में तो बोला कि गाड़ी तक का इंतजाम नहीं किया, लोग पैदल गए यहाँ से 1200 किलोमीटर। अब जिसको पैदल जाने का शौक है पैदल गया, मोदी को जितना ही औकात रहेंगे उतना ही करेंगे ना। सबको लेल गाड़ी बस किए, अब एक घर से 50 आदमी निकलेंगे तो कहाँ से करेंगे। जितना करना था मोदी जी बहुत किए, गरीब को बहुत हेल्प किए। हम लोग तो इतना ही देखते हैं, बिहार में बहुत तरक्की किए हैं। अच्छा ठीक है, तरक्की की है, लेकिन आप अपना बात कीजिए, आपको क्या क्या सहायता मिलता है? हमें कुछ नहीं, हम तो यहाँ पर भी कमा के खा रहे हैं, बिहार में भी कमा के खा रहे हैं। तो फिर सरकार आप बोले बहुत मदद की, बहुत मदद की, किसी को किए ना कि क्या? अरे हमें नहीं, हमें नहीं किए, हमें अगल बगल बाथरूम दिए, घर बनाए, बहुत किए बिहार में, हमको नहीं दिए। हम दिल्ली में कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, हमको न घर मिला न बाथरूम मिला, अपने खुद घर बनाया, खुद बाथरूम बनाया। ना वहाँ बिहार में दूसरा पार्टी दिया, ना ही मोदी दिया है, ना कोई नहीं दिया। नहीं आपको मिल गया घर? मिल गया? हाँ मिला, इंदिरा आवास मिला है, घर मिला, मोदी सरकार दिया है घर। और टॉयलेट? हाँ अभी टॉयलेट नहीं बनाई हूँ, बनाएगी तो देगी। सिलेंडर भी मिला है, राशन भी। कितना मिलता है इंदिरा आवास में आप लोग को? 1.5 लाख। 1.5 लाख मिलता है? और 1.5 लाख में कुछ खर्चा पानी भी चाहिए होता है ऑफिस देने के लिए? खर्चा पानी तो सरपंच मुखिया तो वो खा लेती है। कितना कितना लेता है? लगभग 20,000। 1.5 लाख में आपका 20,000 रुपया जो है वो ले लेती है, वो मुखिया सरपंच वगैरह लेता है, ब्लॉक में भी मांगता है? ब्लॉक में ले लेते, उसके ग्रुप बना रहता है, वो लोग आपस में बांट लेते हैं 20,000 में से। तो 1.5 लाख में से 20,000 मतलब ठीक है, 1.5 लाख में अगर 20,000 वो लोग ले ले तो 1,30,000 बचता है, और 1,30,000 में घर रेडी हो जाता है आपका? नहीं, और अपना पैसा कमा कर लगाओ। पक्का मकान का जो बात होता है, बोलते हैं हम जो है 1 करोड़ पक्का मकान बनवाए, अगर 1.5 लाख में से 20,000 निकाल दे 1,30,000 में, हमको लगता है आज जितना महंगा इट्टी ईटा गिट्टी बालू सब है, सीमेंट है, तो 1.5 लाख में तो जमीन तो नहीं होता। तो अपना एक रूम के देती है ना, एक मकान के देती है ना, और अपना खटो, अपना लेबर लगाओ, अपना सब कुछ करो। आपको मिल गया है पक्का मकान? मिला तो है। आपका भी सेम सिस्टम है 1.5 लाख में 20? वही है, पर पैसा तो खा ही लेता है, पूरा पैसा देता का अपने 2 लाख का बात करता है पहले से, वो मिलता कहाँ है, पूरा मिलता ही नहीं, कहता है वो पहले आप लेबर लगाओ, उसके बाद लेबर का पैसा 14,000 मिलेगा, वो भी नहीं देता है। बोलते हैं कि अगर हम 1 रुपये यहाँ से भेजते हैं तो एक गरीब के पास जो है वो 1 रुपया पूरा का पूरा पहुँच जाता है। गरीब के पहुँच जाता है ना, फिर मुखिया सरपंच हमारे से लेता है ना, आता है
उसके बाद फिर आपको निकाल के देना पड़ता है। देना पड़ता है, वो बोलता है देना पड़ेगा, मैं काम कर बात वही पे चला, हाँ पैसा तो चला ही जाता है, बात तो वहीं पर जाता है घूम के। मतलब सरकार भी क्या करेगा, सिस्टम पूरा इतना है कि खत्म है कि अच्छा दिल्ली में अच्छा पढ़ाई होता है। दिल्ली का स्कूल का पढ़ाई और गांव बिहार में जो स्कूल का पढ़ाई है अलग-अलग होता है, फर्क लगता है? हाँ, फर्क लगता है। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है? नहीं। आपको सीनियर सिटीजन वाला भी जो पेंशन है वो भी नहीं मिलता है? नहीं, कुछ नहीं हमको मिलता है। हाँ राशन मिलता है, राशन मिलता है 5 किलो वाला। हाँ राशन हमको 30 किलो देता है। 30 किलो क्या देता है? राशन मिलता है गाँव में, एक फ्री वाला राशन मिलता है, कार्ड वाला राशन मिलता है। ओ बीपीएल वाला जो बिहार में, वो तो बिहार में मिलता है, इधर नहीं मिलता है। वो स्टेट गवर्नमेंट का। अभी तो मेरा सके राशन कार्ड बंद, कोरोना में मैं गया ना औठा से शुरू तो बंद हो गया राशन, अभी नहीं मिलता है, अभी हाँ बंद कर दिया है। लेकिन सरकार कितना ही सुविधा दे दे, वो गांव घर में नीचे जाते जाते लोग खाइए लेते, खा जाते सब जगह, खाते यहाँ पर नहीं खाता है, सब जगह। अब सरकार देगी, अब ये लोग के बोलेगी थोड़ा खर्चा करो, बाथरूम दोगे 200-400 खर्चा, खिलाओ पिलाओ। 12,000 बाथरूम पे दे रहा है, उसमें से 2,000 तो ले ही लेता है। 12,000 टॉयलेट पे देता है, उसमें से बनाने का उसमें 2,000 वो ले लेता है पहले, जो 2,000 दो 10,000 में टॉयलेट बनता है, सिर्फ सीट बैठा लो, 5 इंची दीवार खड़ा कर दो, बस उसके आगे क्या होगा। हम लोग के तो कर्जा उठा के 1,000 रुपया दिया है, जे दो पहले पैसा तो बाथरूम के पैसा आएगी, बाथरूम बना लिया लेकिन पैसा एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। जब गरीब को हम दे रहे तो आप लोग क्यों 2,000 रुपया ले रहे हो, फिर फायदा क्या है? एक दूसरे को कागज पत्र सब सही कराने आगे पहुंचाने के लिए पैसा लेते हैं कि आगे पहुंचाएंगे इसके लिए पैसा लेते हैं, कोई सरकार के इसमें कोई इशू नहीं है। जो पब्लिक है, पब्लिक हम लोग से परेशान करके कागज आगे बढ़ाने के लिए लोग पैसा घूस लेते हैं। अपने लड़का था तब बना दिया। दादी बोल रही है कि कितना साल से जो है लोग बोलता है कि घर आया अभी नहीं करता है, यही ना है? मेरे नाम से 10 साल से घर आए हैं, 10 साल से अभी मेरे नाम से अभी तक नहीं आए हैं, 10 साल से घर मेरा नाम से आए हैं पर अभी तक मेरे हाथ नहीं लगे। सरकार बनेंगे फिर भी, नीतीश बनेंगे फिर भी, कोई बनेंगे, हम लोग के 5 रुपया नहीं अकाउंट में मिलेंगे, ना लॉकडाउन में मिला ना अभी मिला, अभी तक हमें 5 रुपया के राशन नहीं मिला, ना घर मिला, ना राशन मिला, ना कार्ड मिला, ना कुछ नहीं मिला हम लोग के, तो हमें तो कोई भी बने, हमें कमा के खाना ही तो खा ही रही हूँ, चाहे कोई भी बने, सब अपना अपना किस्मत से सरकार बने। अच्छा, कोविड में आपको कुछ मिला? कोविड में तो आप बोल रही थी कि बहुत अच्छा मुझे हुआ। जिसको देने वाले दिया, मेरे तो कुछ भी नहीं मिला फिर भी मैं सपोर्ट करती, ना मिला फिर भी क्या, जिसको मिला उसके तरफ से सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन हमको सुनने में नहीं आया कि कोविड में जो है अच्छे से किसी का, खास करके जो बिहार से लोग दिल्ली में रह रहे थे उनका कुछ हेल्प हो पाया, लोग भटक के गए, एक आइसक्रीम भी नहीं बांटा। कोविड में आइसक्रीम का क्या करते, खाना देखो नहीं, खाना नहीं कह तो रही, यही सीखा रहा है, आइसक्रीम बांटा है ये स्कूल में, ब्लू बेंस स्कूल में, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला, सिखा रहे खुद बांटे, वो भी तो एक नेता है। खूब मिला जिसको हाथ लग गया वो लूट लिया। अब जैसे बांटने के देगा मुझे देगी, हम ही सबटा रख लूंगी, उसको बांटी नहीं। जिसका संग में पैसा है, जिसका संग में कपड़ा है अच्छा उसके मिलता है, जिसका कुछ नहीं है उसका कुछ नहीं मिलता है। अभी तक नहीं आया है, विकलांग है लेकिन बैंक विकलांग का नहीं, कहाँ आया, 2 साल हो गया अप्लाई करने चले बिहार में, अभी तक नहीं आया। थक जाओगे, पैर का चप्पल टूट जाएगा, कुछ नहीं करने वाले, होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं, सब अपने अपने लिए, हम लोग यहाँ भी कमा रहे हैं, घर पे भी कमा रहे हैं, यहाँ भी अमीर का मानता है, गाँव में भी अमीर का ही मानता है, गरीब का कोई नहीं।